नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कानपुर महानगर बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 18 अप्रैल 2022 को मनीष शुक्ला नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। मृतक मनीष शुक्ला के परिजन मां शकुंतला देवी का आरोप है कि मृतक मनीष शुक्ला की मृत्यु का कारण उसकी पत्नी और उसके परिजन है। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले उनके पुत्र मनीष शुक्ला का विवाह शालू गुप्ता नामक महिला के साथ संपन्न हुआ था। उनका आरोप है कि ये प्रेम विवाह था, जिसके लिए शालू के परिजन आए दिन उन लोगों को परेशान किया करते थे। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक मनीष कई बार उनके घर आया है और उसने बताया है कि उसको ससुराली जन बहुत परेशान करते हैं। आए दिन उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकियां दिया करते हैं। मृतक मनीष की मां शकुंतला देवी और भाई राजकुमार शुक्ला और बहन सभी अब परिजन आज पुलिस उपायुक्त दक्षिण के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया है कि थाना बर्रा में उनके साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मृतक की पत्नी को थाने में बैठाया था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। राजकुमार शुक्ला, क्या मामला हो गया, क्यों आ गया? यहाँ पे हम आए हैं, मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। 7 साल पहले उसने शादी किया, लव मैरिज किया उसने, बर्रा ये कर रही है। वहाँ से लोग भाग गए, हम लोग बहुत ढूंढते रहे, हमको मिले नहीं। फिर मेरे घर में ये उनके माता पिता लोग आए कि आप मेरी बिटिया पैसा ले करके जेवर सारे लेकर के भाग गई, इसका पैसा मुझे चाहिए। तो मैं लोगों ने बोला कि मैं थाने जाऊंगा, मैं पैसा इसे नहीं दूंगा। तो उन लोग बोलने लगे थाने जाओ, जहाँ जहाँ जाओ, मुझे पैसा चाहिए, नहीं मैं आप लोगों को जेल करा दूंगा। तो मेरे पिताजी डर गए, तो उनको 50,000 रुपये दिए गए जेवर के, और जेवर के पैसे दे करके फिर लोग 4 साल बाद लौट करके आए कानपुर। फिर ये लोग रहने लगे अपन यहाँ कर रहे डिस्ट्रिक्ट लगे। वहाँ से खूब भाइयों को मैं प्रेशर करते रहे, लोग जो जीजा लोग हैं सब लोग धमकी भी देते रहे, मारने की धमकी देते रहे। तो बेचारा मेरा भाई एक दो बार घर आया नंगे, उससे तो उसको हमने रोका भी, यहाँ घर में रुका रहा, मना किया, लोगों ने फिर ज़बरदस्ती उसको फिर करते रहे। फिर वो घर आया, परेशान करते रहे। करने के बाद अब वो परेशान था, अब वो घर से निकल ही नहीं पाया। जब निकल नहीं पाया, क्या हो गया आपके भाई देखा? उसको मार दिया गया। कब? अभी मंगलवार सोमवार को। तो आपने उसकी प्रार्थना पत्र थाने में दिया था? हाँ, गए थे भाई, आगे 112 नंबर डायल किया। हाँ, पुलिस कम से कम 1.25 घंटे में आया, आधा 1.25 घंटे पुलिस आई। उसके बाद फिर छोटा जब पुलिस को देखा देर हो रही, तो फिर राघव गया बर्रा थाने में। तब फिर उसके बाद पुलिस आई है। ये पुलिस आने के बाद अब यहाँ हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। हम जहाँ भी जाते हैं वो बोलते हैं कि पहले थाने, अब वो लोग बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, बोलते हैं कि झांसी ले जाओ। अब हम झांसी कहाँ जाए, 6 महीने बाद आएगी झांसी के। अब 6 महीने तक हम इंतजार करें भाई का। कौन कह रहा है झांसी का? तो बर्रा थाने में आपके एप्लीकेशन पे आपकी तहरीर, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसको पकड़े भी थे तो वो इसको भी छोड़ दिया। तो किसी बड़े किसी बर्रा थाने के अलावा किसी बड़े अधिकारी से आप मिले हैं? किसी से नहीं, और कहीं नहीं मिले। नहीं, आज आप कहाँ गए? एसपी ऑफिस गए थे मैडम जी, क्या मैम मिले नहीं? मैम मिले मिले। उसके बाद आप यहाँ आए? सर भी नहीं मिले। अभी तक आपकी पुलिस ने मदद कोई नहीं करी? कोई मदद नहीं की है। हमको इंसाफ भी है सर, इंसाफ भी हमको कहीं से वो होने जा नहीं मिल रहा है। जो अपराधी हैं आप बता रहे जिन्होंने ऐसा किया है, आपके अनुसार वो इस समय कहाँ पे हैं? वो सब घर में है।